हेलो एवरीवन, हम क्लास सिक्स हमारा राजस्थान बुक को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो बुक है हमारा राजस्थान, ये राजस्थान के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 8, जिसका टाइटल है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में यह बताया हुआ है कि राजस्थान में रहने वाले लोग जो हैं वो अपने जीवन यापन के लिए कौन कौन से आजीविका संसाधनों पर निर्भर करते हैं, उन सभी के बारे में बेसिक फैक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझो कि कोई भी मनुष्य जो है वो अपने जीवन को चलाने के लिए कोई ना कोई कार्य जरूर करता है। अब कोई मनुष्य जो है वो क्या कार्य कर रहा है, ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि वो कौन से क्षेत्र में रह रहा है, उस क्षेत्र में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, किस तरीके की वहाँ पर जलवायु है, वहाँ की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर कैसा है। इन सभी पर निर्भर करता है कि कोई मनुष्य जो है वो कौन से कार्यों में लगा हुआ है। अगर हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ के मैक्सिमम लोग जो हैं वो कृषि, पशुपालन और खनन कार्य पर निर्भर करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग और सेवा क्षेत्र, इनमें भी लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। मतलब जैसे जैसे आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन राजस्थान की सुधरी है, वैसे वैसे इन क्षेत्रों में भी जो जॉब है उनकी संख्या या रोजगार की संख्या बढ़ी है। सबसे पहले राजस्थान में कृषि के बारे में हम बेसिक फैक्ट्स जानेंगे। राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है, अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान में वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना है, नाम ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले तो फर्स्ट है रबी की फसल, सेकंड है खरीफ की और थर्ड है जायद की। अब इसमें लेकर के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं कि कौन सी फसल को कब तो बोया जाता है और कब काटा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वह कौन सी फसल है जिसको जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि खरीफ की फसल है, ठीक है। या फिर पूछ लेंगे कि कौन सी फसल में कौन कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट इनको लेकर के पूछा जाता है। तो फर्स्ट है रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है, मतलब अगर हम बात करें तो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है और गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। इसमें गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों आदि फसलें प्रमुख हैं। नेक्स्ट है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है, मतलब जुलाई अगस्त में इसको बोया जाता है और शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। इसमें मुख्य फसलें हैं ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि हैं। नेक्स्ट है जायद की फसल। तो ये फसल जो है वो मार्च अप्रैल से और जून जुलाई तक की जाती है, मतलब गर्मियों की जो छुट्टियां आती है ना बच्चों की, उस टाइम में इसको बोया जाता है और इस समय खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि इसमें उगाए जाते हैं। अब राजस्थान में जो कृषि है, लैंड एरिया काफ़ी ज़्यादा है राजस्थान में, भूभाग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कृषि जो है यहाँ पर पिछड़ी हुई है। इसके कुछ कारण हैं। तो सबसे पहला है प्राकृतिक कारण। राजस्थान आप सभी को पता है कि मैक्सिमम पार्ट रेतीला है, तो यहाँ पर बार बार सूखा, बारिश बहुत कम होती है। यहाँ की जो भूमि है वो काफ़ी ज़्यादा रेतीली, ऊसर और बंजर भूमि है। मृदा अपरदन जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट कारण है आर्थिक कारण। तो किसानों में यहाँ पर निर्धनता देखने को मिलती है। जो भी उपज की जाती है उसका कम मूल्य मिलता है। पुरानी तकनीक से कृषि की जाती है, सिंचाई के साधनों की काफ़ी ज़्यादा कमी है और उत्तम खाद बीज की भी कमी है। थर्ड है संगठनात्मक कारण। तो भू स्वामित्व समस्या है और नीतिगत कमजोरियाँ है, मतलब सरकार जो है वो कृषि के एक तरीके से कृषि के उत्थान के लिए जो अपनी जो भी पॉलिसी होनी चाहिए, जो भी उनकी नीतियाँ होनी चाहिए, उनके ऊपर ज़्यादा काम करना होगा गवर्नमेंट को। राजस्थान में कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है। राज्य से श्रीगंगानगर जिला गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, मतलब मैक्सिमम जो जमीन है वो बारिश के पानी पर अभी भी अपने आप को निर्भर रखता है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से की जाती है, मतलब जितना
टोटल हमने देखा कि सिर्फ 35% भाग पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, और इस 35% भाग में 66% जो सिंचाई है वो कुएं और ट्यूबवेल से होती है, और नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है हमारे राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में आजीविका का दूसरा साधन है पशुपालन। तो राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविकार्जन के लिए का एक सहज साधन है। ठीक है, इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित है ही, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तुएं भी प्राप्त हो जाती हैं। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। तो राजस्थान में जो पशु गणना होती है उसके जो डाटा है, लेटेस्ट पशु गणना, उसके डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा भी संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं। मतलब जहां पर खेती की जाती है वहां पर तो साथ में पशुपालन किया ही जाता है, और मैक्सिमम जो पश्चिमी भाग है जहां पर रेतीला भाग है, पथरीला भाग है, वहां पर सिर्फ पशुपालन के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया जाता है। अब राजस्थान में कौन कौन से पालतू पशु हैं? तो पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां व भेड़ पालन बहुतायत से किया जाता है। राजस्थान की 20वीं जनगणना जो 2019 में हुई उसके अनुसार अगर हम देखें तो ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। इसको लेकर के पूछ लेते हैं क्वेश्चन, जो भी लेटेस्ट पशु गणना या जो भी लेटेस्ट जनगणना है उसके जो फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए। स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो राजस्थान के कोई भी एग्जाम में इसको लेकर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है, गाय व भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब जो ऊंट, गधे जो पहले पाले जाते थे उनकी संख्या में डिक्रीज देखने को मिला है, और ये बात बोली गई है 20वीं पशु गणना में। अब पशुपालन से लाभ क्या होता है? तो देखो, एक तो ग्रामीणों को रोजगार मिलता है, पशुओं पर आधारित जो उद्योग जो है उनका विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार मतलब घी, मक्खन, छाछ, दही आदि की प्राप्ति होती है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। अब पशुपालन में समस्याएं क्या है? तो पशुपालक निर्धनता के कारण जो पशु हैं राजस्थान में उनको पौष्टिक आहार और सही इलाज नहीं दे पाते हैं। पशुपालक के पास कमजोर व घटिया नस्ल के पशु हैं, चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है, परंपरागत तरीके से पशुपालन करते हैं, पशुपालन में व्यवसायिक दृष्टिकोण की कमी है कि व्यवसाय के हिसाब से पशुपालन को किया जाए। बार बार के सूखे और अकाल से भी राजस्थान में पशुधन कम होता जा रहा है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में खनन की। तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा और इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफी अवसर हैं। यही कारण है कि राजस्थान में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को सरकार जो है वो प्रोत्साहित कर रही है। राज्य में अवैध बजरी खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी है, और इसके गंभीर दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के मैप को अगर हम देखें तो अरावली पर्वतमाला बिल्कुल बीचों बीच जो है फैली हुई है, और उसके पश्चिमी भाग में मरुस्थली भाग, तो मरुस्थली भाग का पूरी प्रसार रोकती है अरावली पर्वतमाला। तो अगर अरावली पर्वतमाला को खत्म कर दिया गया तो मरुस्थल जो है वो ना सिर्फ राजस्थान के पूर्वी भाग को बल्कि हमारे इंडिया के और भी अन्य राज्य जो है उनको भी इफेक्ट करेगा। तो इसके लिए हमें अरावली पर्वतमाला को बचाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इस चैप्टर की कुछ इंपोर्टेंट शब्दावली है, जैसे कि आजीविका, तो रोजगार, जीवन निर्वाह हेतु किया जाने वाले कार्य, अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा, निर्यात, देश से माल बाहर अन्य देशों को भेजना, आयात क्या होता है, दूसरे देशों से माल को मंगाना। रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? तो रबी की फसल की प्रमुख फसल है गेहूं। आप इस तरीके से याद कर सकते हो, रबी में दो जो है
वो वर्ण आते हैं रबी और गेहूं में भी, इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। और दूसरी तरफ है खरीफ, तो खरीफ में अगर हम देखें तो तीन यहाँ पर वर्ण है, सेम इसी तरीके से बाजरा में भी तीन है, तो बाजरा इसकी मुख्य फसल है, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है, तो बाजरा वहाँ पर सबसे ज्यादा बोया जाता है। खरीफ की फसल फिल इन द ब्लैंक करना है, ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है, तो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में वो जो बोई जाती है। और 20वीं जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो ऊंट व गधे जो है उनकी संख्या में चिंताजनक गिरावट हुई है। तो ये आज का हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।